पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को अपनी सजा के खिलाफ सिविल कोर्ट में अपील करने संबंधी सैन्य एक्ट में बदलाव की बात को पाकिस्तानी सेना ने गलत बताया है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता आसिफ गफूर ने बुधवार को ट्वीट किया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ के आदेश को लागू करने के लिए पाकिस्तान आर्मी एक्ट में बदलाव की अटकलें गलत हैं। मामले की समीक्षा और पुनर्विचार के लिए विभिन्न कानूनी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। इस पर अंतिम नतीजा समय पर साझा किया जाएगा। इससे पहले बुधवार को पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात कही गई थी कि पाकिस्तान सरकार अपने सैन्य एक्ट में बदलाव कर सकती है ताकि कुलभूषण जाधव फांसी की सजा के खिलाफ सिविल कोर्ट में अपील कर सके। कुलभूषण जाधव 49 को 2017 में पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने आतंकी गतिविधियों और जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी। ICJ ने मौत की सजा पर पुनर्विचार करने का फैसला दिया था। कुलभूषण पर दर्ज मामले की सुनवाई पाकिस्तान के सैन्य कोर्ट में हुई थी। मौजूदा कानून के अनुसार सिविल कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ याचिका दायर नहीं की जा सकती। पाकिस्तान का यह फैसला जुलाई में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ के फैसले के मद्देनजर माना जा रहा है। ICJ ने जाधव को भारतीय काउंसलर से संपर्क की इजाजत देने और उनकी मौत की सजा पर पुनर्विचार करने का फैसला सुनाया था। ICJ ने अगस्त में निलंबित की थी जाधव की सजा। ICJ के 16 जजों की बेंच ने इस साल 17 अगस्त को कुलभूषण की फांसी की सजा निलंबित कर दी थी। बेंच में शामिल जस्टिस यूसुफ ने कहा था कि जब तक पाकिस्तान प्रभावी ढंग से फैसले की समीक्षा और उस पर पुनर्विचार नहीं कर लेता, तब तक जाधव की फांसी पर रोक जारी रहेगी।